वेलकम दोस्तों, एक और फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टेक GCC पे। आज मैं आपके लिए एक नया वीडियो, आज हम बात करेंगे जावास्क्रिप्ट में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, प्रोटोटाइप के बारे में। ठीक है, चलो प्रोग्राम को शुरू करते हैं। तो इसकी सबसे पहले हम एक आउटपुट देख लेते हैं। ठीक है, ये इसकी आउटपुट है। तो जो आउटपुट आ रही है तो जी प्रोटोटाइप। ठीक है, कुछ नहीं आपको अभी से देख समझ लगेगा। हमने क्या किया, हमने जी एक हमारा HTML का प्रोग्राम है उसमें हमने HTML जावास्क्रिप्ट के सोर्स को ऐड कर लिया। तो SRC क्या है, जावास्क्रिप्ट की फाइल का नेम है। ठीक है जी, जावास्क्रिप्ट की फाइल है। तो इसमें हमने क्या किया, जो मैंने एक कमेंट बना के रखा हुआ है। ठीक है जी, अभी एग्जीक्यूट नहीं हुआ क्योंकि ये कमेंट है। कमेंट क्या होता है, नॉन एग्जीक्यूट स्टेटमेंट, जो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होती, जो नहीं चलती। ठीक है, तो हमारी स्टेटमेंट कौन सी रन हो रही है, जे वाली। तो हमने एक सिंपल ऑब्जेक्ट बना लिया कर्ली ब्रैकेट के थ्रू, एक सिंपल ऑब्जेक्ट बना लिया पर्सन वन। तो उसको हमने क्या किया, पर्सन वन कंसोल डॉट लॉग करवा दिया, उसको प्रिंट करवा दिया उस ऑब्जेक्ट को। तो हमने सिंपल उस ऑब्जेक्ट को प्रिंट करवाया। तो सिंपल हमने एक फिर एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिया पर्सन टू। तो उसमें हमने उस पर्सन, जो हमने पर्सन टू ऑब्जेक्ट बनाया उसको एक प्रॉपर्टी दे दी, उसको एक वैल्यू दे दी, प्रॉपर्टी दे दी नेम को, हमने वैल्यू स्टोर कर दी टेक GCC। ठीक है, उसको कंसोल डॉट लॉग करवा दिया। ठीक है, और कुछ नहीं। ठीक है, तो हमने एक ऑब्जेक्ट लिया पर्सन वन सिंपल, उसको कंसोल डॉट लॉग करवाया। उसके बाद एक पर्सन टू ऑब्जेक्ट दे लिया हमने, तो उसको हमने क्या किया, एक प्रॉपर्टी दी। तो उस प्रॉपर्टी को वैल्यू दो टैक GCC, उसको कंसोल डॉट लॉक करवा दिया, और कुछ नहीं। तो इसकी आउटपुट क्या आ रही है, तो इसकी आउटपुट जे वाली आ रही है। तो इसको रीलोड कर लेते हैं। तो जे पहले वाला ऑब्जेक्ट, ठीक है, तो जे हमने कुछ भी नहीं दिया ब्रैकेट में, तो ऐसे आ रहा है। तो एक उसके साथ में क्या आ रहा है, एक प्रोटोटाइप आ रहा है। ठीक है, प्रोटोटाइप क्या होता है जे देखेंगे। तो जे प्रोटोटाइप आ रहा है इसके साथ भी, जो जे दूसरे वाला ऑब्जेक्ट जो हमने पर्सन टू है हमारा, तो जी इसके साथ भी हमने नेम की जो प्रॉपर्टी दी उसकी वैल्यू आ रही है टेक GCC, और उसके साथ ही प्रोटोटाइप। प्रोटोटाइप आप बोल सकते हो कि एक लाइब्रेरी होती है, जैसे हम सी में पढ़ते हैं उसमें हेडर फाइल्स होती हैं। ठीक है, उसमें कुछ फंक्शंस होते हैं, सेम उसी तरह एक प्रोटोटाइप क्या होता है, एक लाइब्रेरी होती है एक हेडर फाइल की तरह, कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट बनता है तो उसके साथ एक प्रोटोटाइप ऐड हो जाता है, ऑब्जेक्ट और प्रोटोटाइप ऐड हो जाता है, इसको आप लाइब्रेरी भी बोल सकते हो। ठीक है, जो कुछ फंक्शन होते हैं इसमें जी देखो। ठीक है, तो इसमें फंक्शन है और कुछ नहीं। तो जो हमने, जैसे हम सी लैंग्वेज में प्रिंट अप स्कैन अप नॉर्मली हेडर फाइल से यूज़ करते हैं, मतलब उस तरह हम जे वाले फंक्शन भी यूज़ कर सकते हैं जैसी हमारी रिक्वायरमेंट हो। ठीक है, तो उसकी उसके बाद तो सिंपल हमने कोई भी प्रिंट कराया तो उसके साथ प्रोटोटाइप शो होएगा। ठीक है, जे वाला प्रोटोटाइप शो हो रहा है, तो जे भी प्रोटोटाइप शो हो रहा है। ठीक है, प्रोटोटाइप शो हो रहा है, ऑब्जेक्ट प्रोटोटाइप, इसको क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट प्रोटोटाइप। प्रोटोटाइप में क्या होता है, ऑब्जेक्ट प्रोटोटाइप में मेथड फंक्शंस होते हैं। ठीक है, मेथड्स होते हैं, फंक्शंस होते हैं। ठीक है, उसके बाद जो जे हो गया, उसके बाद हमने क्या किया, एक फंक्शन को यूज़ करना है। हमने कौन सा फंक्शन है, जे वाला सपोज करो हमने फंक्शन यूज़ करना हैज़ ओन प्रॉपर्टी, हैज़ हमने ओन प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे। तो इसको हम क्या करेंगे, कमेंट को रिमूव कर देंगे। तो इसको सेव किया हमने, तो इसको रन करते हैं हम। तो जी देखो, अभी ट्रू आ रहा है। ट्रू क्यों आ रहा है, ये कौन सा हमने फंक्शन यूज़ किया, कि पर्सन वन हैज़ ओन प्रॉपर्टी, कि जो पर्सन टू हमारा, सॉरी जो पर्सन टू हमारा ऑब्जेक्ट है उसके पास एक प्रॉपर्टी है नेम नाम की, ये देखो है। तो वो क्या कर देगा, रिटर्न कर देगा ट्रू। तो हमारी आउटपुट क्या आ रही है, ट्रू आ रहा है। तो जी जो हमारा जो मेथड आया वो कहाँ से आया, जो वाला जो मेथड आया हमारा, जो फंक्शन आया हैज़ ओन प्रॉपर्टी, ये फंक्शन कहाँ से आया। ठीक है, तो वो कहाँ से आया, प्रोटोटाइप से। वो कहाँ पे है, प्रोटोटाइप पे। ठीक है, तो जो कि जहाँ पे शो हो रहा है। ठीक है, तो इस पर ये हैज़ ओन, ये सभी फंक्शन हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, कि मतलब लाइब्रेरी कुछ फंक्शन की, तो जो हम यूज़ करते हैं अपनी जो भी हमारी रिक्वायरमेंट हो, तो जहाँ से फंक्शन को हमने यूज़ कर लिया। ठीक है, जैसे सभी फंक्शन हम यूज़ कर सकते हैं जैसे हमें ठीक लगे। ठीक है, तो ये भी हो गया कि प्रोटोटाइप, जब भी हम कोई ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो उसके साथ प्रोटोटाइप क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है। उस प्रोटोटाइप के में फंक्शन होते हैं जो उस फंक्शन को हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद एक चीज़ और, तो अभी हम क्या करते हैं, इस कमेंट को भी रिमूव करते हैं। ठीक, तो जे वाला तो हो गया। उसके बाद हमने क्या जे बनाया, जे हमारा एक कंस्ट्रक्टर फंक्शन है। ठीक है, लास्ट वीडियो में हमने तो बताया था कि कंस्ट्रक्टर फंक्शन क्या होता है, कि मतलब एक अल्टरनेटिव होता है क्लास का। ठीक है, तो जे हमारा मतलब कंस्ट्रक्टर फंक्शन क्या होता है, ब्लूप्रिंट होता है क्लास की तरह।
तो हमने एक फंक्शन बनाया, मतलब कंस्ट्रक्टर फंक्शन जो हमारा है, तो इसके थ्रू हमने क्या बनाएंगे, ऑब्जेक्ट बनाएंगे। जब पर्सन थ्री हमारा एक ऑब्जेक्ट, किस कंस्ट्रक्टर फंक्शन का, पर्सन का, जो हमारा पर्सन क्या है, हमारा एक कंस्ट्रक्टर फंक्शन है, ठीक है। इससे पिछले वाली वीडियो से आप कंस्ट्रक्टर फंक्शन के बारे में देख सकते हो अगर आपको नहीं पता, तो वो क्लास का एक अल्टरनेटिव होता है, एक ब्लू प्रिंट होता है। आपको क्लास बारे में थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए, अगर आपने C++ पढ़ी है तो उसमें भी होता है क्लास, तो कुछ और भी लैंग्वेज सीखी पढ़ी हुई है, PHP कुछ भी, तो C++ में तो होता है। C++ तो मेरे हिसाब से आपको आनी ही चाहिए अगर आप जहाँ पे आ रहे हो, क्योंकि ईजिली आपको जावास्क्रिप्ट समझ लग जाएगा, इनहेरिटेंस के कंसेप्ट समझ लग जाएंगे, ये कंसेप्ट ही समझ लग जाएंगे अगर आपने कुछ पहले से C++ कर रखी है। अगर नहीं भी आती फिर मैं पूरी ट्राई करूँगा कि आपको समझा पाऊँ, ठीक है। तो हमने जो कंस्ट्रक्टर, हमारा कंस्ट्रक्टर फंक्शन है, तो उसको जो कंस्ट्रक्टर फंक्शन का, हम कंस्ट्रक्टर फंक्शन के थ्रू हमने एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे, जो पर्सन थ्री हमने ऑब्जेक्ट बनाया, किसका ऑब्जेक्ट है, जो पर्सन का, पर्सन थ्री किसका ऑब्जेक्ट है, जिस कंस्ट्रक्टर फंक्शन का, ठीक है, ऑलमोस्ट क्लास का, इस पर्सन क्लास का कंस्ट्रक्टर फंक्शन का, पर्सन जो कंस्ट्रक्टर फंक्शन है उसका ऑब्जेक्ट कौन सा है, पर्सन थ्री। तो हमने एक रवि वैल्यू दे दी एन को, एन ने नेम को दे दी, ठीक है। तो देखो हमें करना क्या चाहते हैं, एक्चुअली वैल्यू दे दी तो इसके वैल्यू तो इसमें चला गया, तो उसको हमने कंसोल डॉट लॉक करा दिया, उस ऑब्जेक्ट को, ऑब्जेक्ट बन गया पर्सन थ्री, तो उसको हमने कंसोल डॉट लॉक करा दिया, तो इसको हमने किया सेव। अब इसको रन करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा पर्सन है, ठीक है, रवि प्रोटोटाइप की, एक प्रोटोटाइप के नीचे एक और प्रोटोटाइप आ गया, ठीक है, एक प्रोटोटाइप के नीचे एक और प्रोटोटाइप आ गया, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा डायग्राम के थ्रू देखते हैं, तो ठीक है, अगर हम क्या करते हैं, अगर हम ये करते हैं कि हम कंस्ट्रक्टर फंक्शन के थ्रू हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं, अगर हम कंस्ट्रक्टर फंक्शन के थ्रू ऑब्जेक्ट बनाते हैं, तो सबसे पहले हमारी जो प्रोटोटाइप बनती है उस कंस्ट्रक्टर फंक्शन के नाम की प्रोटोटाइप बन जाती है। ये वाली हमारी प्रोटोटाइप बन जाएगी पर्सन प्रोटोटाइप, तो एक जो साथ में बनती है डिफॉल्ट, बाय डिफॉल्ट प्रोटोटाइप, प्रोटोटाइप ऑब्जेक्ट प्रोटोटाइप, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट प्रोटोटाइप तो बननी बननी, अगर हमने नॉर्मल ऑब्जेक्ट बनाना है, अगर हमने कंस्ट्रक्टर फंक्शन के थ्रू ऑब्जेक्ट बनाना है, ठीक है। अगर हम नॉर्मल ऑब्जेक्ट बनाते हैं, कंस्ट्रक्टर फंक्शन यूज नहीं करते, तो ये जो ऑब्जेक्ट प्रोटोटाइप है, मतलब एक सिंगल प्रोटोटाइप बनेगी, ऑब्जेक्ट प्रोटोटाइप बनेगी, जो हमें मतलब एक लाइब्रेरी देती है, लाइब्रेरी की तरह होती है, जो हमें जो एक प्रोटोटाइप जावास्क्रिप्ट प्रोवाइड करेगी, जे वाली प्रोटोटाइप, ठीक है। तो अगर नॉर्मल ऑब्जेक्ट बनाते हैं, कंस्ट्रक्टर फंक्शन यूज नहीं करते, अगर हम कंस्ट्रक्टर फंक्शन यूज ना करके ऑब्जेक्ट बनाते हैं, तो जे हमें प्रोटोटाइप नहीं मिलेगी, ठीक है। अगर हम कंस्ट्रक्टर फंक्शन यूज करके कोई ऑब्जेक्ट बनाते हैं, तो जे एक प्रोटोटाइप बनेगी नाम वाली, तो एक ऑब्जेक्ट वाली, ठीक है, यही बात है। ये अगर कंस्ट्रक्टर फंक्शन यूज करके हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं, तो एक साथ में प्रोटोटाइप बनेगी, वो नाम वाली, जो कंस्ट्रक्टर फंक्शन का नेम होगा उस नाम की प्रोटोटाइप बन जाएगी, एक ऑब्जेक्ट प्रोटोटाइप, बस डैट्स इट। तो बस यही हो रहा है इसमें। इसको हमने किया रीलोड, देखो ये देखो पर्सन, तो एक पर्सन नाम की प्रोटोटाइप बन जाएगी, ठीक है। तो ये पर्सन नाम की प्रोटोटाइप, उसके बाद एक ऑब्जेक्ट, ये पर्सन नाम की प्रोटोटाइप, ये ऑब्जेक्ट नाम की प्रोटोटाइप, ये हो गया जो उसकी प्रोटोटाइप, ये उसके फंक्शंस आ गए, ठीक है। कि अगर हम ये देखो इसमें कोई भी नाम की प्रोटोटाइप नहीं है, सिर्फ ऑब्जेक्ट की प्रोटोटाइप है, ऑब्जेक्ट प्रोटोटाइप है, ठीक है। बस ये डिफरेंस, अगर हम कंस्ट्रक्टर फंक्शन के थ्रू हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं, तो जो हमारी प्रोटोटाइप होती है वो नाम वाली भी एक प्रोटोटाइप भी होती है, उसको हम यूजर डिफाइंड प्रोटोटाइप बोल सकते हैं। उसको क्या बोल सकते हैं, यूजर डिफाइंड। तो जो हमें जो ऑब्जेक्ट प्रोटोटाइप जावास्क्रिप्ट प्रोवाइड करती है, उसको बाय डिफॉल्ट बोल सकते हैं, जो सिस्टम प्रोवाइड करता है, कि सिस्टम ने ये तो प्रोटोटाइप हमें प्रोवाइड करनी है। तो जो हमारे जो कंस्ट्रक्टर फंक्शन के थ्रू जो प्रोटोटाइप बनती है, वो एक यूजर डिफाइंड होती है, जिसका जो भी नाम हम देंगे ना उस प्रोटोटाइप, वो जो उस कंस्ट्रक्टर फंक्शन का, उस नाम की वो क्या प्रोटोटाइप हो जाएगी। इस नाम के जो पर्सन हमारा बॉक्स का नाम क्या है, जो कंस्ट्रक्टर फंक्शन है, जब जो कंस्ट्रक्टर फंक्शन बनाएंगे, तो उसके नाम की प्रोटोटाइप बन जाएगी। तो जे बाय डिफॉल्ट ये तो बनेगी ऑब्जेक्ट प्रोटोटाइप, जो ये तीनों आपस में लिंक हो जाएंगे, ठीक है। तो आई होप आपको समझ लग गया होगा जी। तो अगर आपको दो तीन बार इसको देखेंगे, तो आपका ज़्यादा कंसेप्ट क्लियर होगा। तो क्लियर हो गया, जो नॉर्मल ऑब्जेक्ट
इसके साथ जो प्रोटोटाइप होगा वो जो बाय डिफॉल्ट होता है ऑब्जेक्ट प्रोटोटाइप, जब जो कंस्ट्रक्टर फंक्शन के थ्रू हमने ऑब्जेक्ट बनाया तो इसमें एक पर्सन नाम की एक यूजर डिफाइंड प्रोटोटाइप भी ऐड हो जाएगी, ठीक है। तो साथ में ऑब्जेक्ट प्रोटोटाइप तो ऐड होगी होगी, ठीक है। तो डायग्राम में क्लियर हो रहा है सारा कुछ, ठीक है। तो जब जे ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर फंक्शन के थ्रू ऑब्जेक्ट बना तो इसके साथ पर्सन प्रोटोटाइप भी ऐड हो गया, इसके नाम वाला और ऑब्जेक्ट वाला भी प्रोटोटाइप ऐड हो गया, ठीक है। तो आगे देखते हैं, तो ये देखते हैं, ठीक है। तो हमने इसमें क्या किया, इसमें देखो क्या किया, सिंपल है। तो हमने एक कंस्ट्रक्टर फंक्शन लिया, ये वाला पर्सन कंस्ट्रक्टर, हमारे पर्सन एक कंस्ट्रक्टर फंक्शन है। तो इसको हमने, जब देखो कंस्ट्रक्टर फंक्शन को कॉल करेंगे हम तीन वैल्यू आपको, तीन आर्गूमेंट देंगे, तो जे हम दे रहे हैं, ठीक है, रवि श्याम 35, ठीक है। तो इसमें वैल्यूज आ गई, तो फर्स्ट जे हमने फर्स्ट नेम लास्ट नेम एज को दे दिया, तो जे इसका एक हमने एक कंस्ट्रक्टर फंक्शन में एक फंक्शन बनाया हुआ हमने, कि यूजर डिफाइन हमने एक मेथड बनाया हुआ है, ठीक है। तो इसमें एक मेथड बनाया कंस्ट्रक्टर फंक्शन, कंस्ट्रक्टर फंक्शन क्या होता है, अल्टरनेटिव है क्लास का, ठीक है। तो बस यही है, बस उसके बाद इसका हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया, तो जे वाला, तो जे वाला एक ऑब्जेक्ट बनाया, तो जे वाला एक ऑब्जेक्ट बनाया हमने, ठीक है। उसके बाद इन दोनों को कंसोल डॉट लॉक करवा दिया, ठीक है। तो इसकी हम आउटपुट देखते हैं, तो इसमें जस्ट हमने ऐड करना है, तो सेव किया मैंने इसको, तो अब इसको रीलोड करता हूँ, तो ये क्या हो रहा है, ठीक है। तो इसकी आउटपुट आ गई कंसोल डॉट लॉक, इसके साथ आगे प्रोटोटाइप और उसके आगे प्रोटोटाइप, ठीक है, ठीक 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 है। तो जे वाला भी हो गया। तो इसमें क्यों कह रहा है कि हमने क्या एक ऑब्जेक्ट बनाया, ठीक है, ऑब्जेक्ट बनाया, ठीक है, सॉरी इसमें दो ऑब्जेक्ट बनाए, जितने भी इसमें वेरिएबल होंगे फंक्शन होंगे वो इसमें कॉपी हो जाएंगे। चलो डायग्राम देखते हैं एक, तो देखो ये हमारा कंस्ट्रक्टर फंक्शन है, इसमें जो भी ऑब्जेक्ट हो, जो भी मेथड होंगे, जो भी फंक्शन होंगे, जो भी प्रॉपर्टीज होंगे, जो भी मेथड होंगे, जो भी प्रॉपर्टीज होगी, हाँ, इसके जो हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे उसमें कॉपी हो जाएंगे, पर्सन वन पर्सन टू की जे वाला, कि जो भी इसमें ऑब्जेक्ट, जो भी इसमें मेथड होंगे, जो भी इसमें प्रॉपर्टीज होंगे, जो भी इसमें वेरिएबल होंगे, वो कहाँ कॉपी हो जाएंगे, इन दोनों ऑब्जेक्ट में, पर्सन टू पर्सन थ्री, बस ये हो रहा है डायग्राम में, ठीक है, ये हो रहा है डायग्राम में। जो भी मतलब जहाँ जो भी इसमें वैल्यू होगी पर्सन वन में आ जाएगी, पर्सन टू में कॉपी हो जाएगी, वैल्यू क्या हो जाएगी, जे जो इस जिस इस कंस्ट्रक्टर फंक्शन में जो भी हमारे वेरिएबल्स, जो मेथड, जो प्रॉपर्टीज होंगी, वो इस ऑब्जेक्ट में क्या हो गया, कॉपी हो गया, क्या हो गया, कॉपी हो गया। तो ठीक है, वो हो गया कॉपी हो गया, तो उसको हमने यूज़ कर लिया बस, और कुछ नहीं, इसको प्रिंट करवा दिया, ठीक है, जे नॉर्मल, ठीक है। जब जब इसके ऑब्जेक्ट बनाए तो वैल्यू थी पहले पर्सन टू की, फिर पर्सन थ्री की, हरनूर कौर, ठीक है, 535, रवि श्याम 35, हरनूट कौर 5, तो इसमें इनमें वैल्यू चल गई, जो फंक्शन हमने बना लिया इसमें, ठीक है। तो जे वाला जो फंक्शन है ना, जे वाला जो फंक्शन है सेम, जे वाला जो फंक्शन है वो सेम, जो देखो जो इसमें हमने क्या किया, तीन वैल्यूज दी और जो तीसरा फंक्शन, ठीक है, तीन वैल्यू, चौथा फंक्शन पर्सन वन में भी सेम चला गया, पर्सन टू में भी सेम चला गया, ठीक है। अब हम चाहते हैं कि जे वाला जो फंक्शन है दोनों में कॉमन हो, मतलब कि दोनों को कॉमन रखें, कि कोई भी इससे यूज करें, तो हम क्या करेंगे, इस फंक्शन को जहां पे लिख देंगे, ठीक है, प्रोटोटाइप बस इसमें क्या चीज है, इसमें बस आप प्रोटोटाइप देखने वाली चीज है, ठीक है, बस और कुछ नहीं है, बाकी तो आपको पता ही है, प्रोटोटाइप में कोई फंक्शन को कोई प्रॉपर्टी कैसे ऐड होती है वो ही देखने वाली चीज है इसमें, ठीक है। तो कोई प्रोटोटाइप में कोई फंक्शन कैसे ऐड करेंगे हम, पर्सन जो भी हमारा फंक्शन का नेम है, फंक्शन का नेम, उसके बाद डॉट प्रोटोटाइप, डॉट फुल नेम, उसके बाद फंक्शन का नेम, बस ठीक है। तो जे क्या हो जाएगा, प्रोटोटाइप में ऐड हो जाएगा, तो इसको हम क्या कर देंगे, कमेंट बना देंगे, ठीक। तो अभी क्या होगा, बस जे वाली बात में ध्यान रखना है, ठीक है, कि क्या करना है, कि पर्सन जो हमारा जो पर्सन है डॉट प्रोटोटाइप डॉट फुल नेम फंक्शन इक्वल टू फंक्शन, और उसके बाद जो भी हमने वैल्यू देनी है, ठीक है, तो उसको हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको किया, सेव किया, अब इसको रीलोड करता हूँ, दिखाता हूँ आपको, ठीक। तो देखो प्रोटोटाइप, तो इसमें प्रोटोटाइप, इसमें फंक्शन आ गया, फुल नेम प्रोटो, ठीक है, सन दूसरे वाला ऑब्जेक्ट हरनूर वाला, उसमें भी प्रोटोटाइप, देखो अभी क्या होगा डायग्राम के थ्रू,
कि हमने क्या किया, जो हमारा जो फंक्शन था, जो वैल्यू थी, जहाँ पे जो प्रोटोटाइप जो प्रॉपर्टी थी वो तो कॉपी हो गई, फंक्शन भी इसमें कॉपी हो रहा था, पर आपने क्या किया, हमने जे किया कि जो फंक्शन था उस प्रोटोटाइप में सेव कर दिया, जहाँ पे रख दिया, तो जे इससे लिंक है, जो हमारी जो प्रोटोटाइप है, पर्सन की प्रोटोटाइप है, तो जो दोनों ऑब्जेक्ट के साथ लिंक है, तो वो दोनों ऑब्जेक्ट जहाँ से जो वाला फंक्शन यूज़ कर लेंगे। अगर एक ही फंक्शन हम दो बार लिख रहे हैं तो हमारी क्या हो रहा है, मेमोरी कंजक्शन बढ़ रही है, हमारी मेमोरी जो कंजक्शन बढ़ रही है, तो हम अपनी मेमोरी कंजक्शन कम यूज़ करने के लिए, कि जो हमारी मेमोरी यूज़ हो वो कम हो, तो उसके लिए हमने क्या किया, उसने हमने जे वाला फंक्शन को प्रोटोटाइप में रख दिया। प्रोटोटाइप में रखने के किया, जे प्रोटोटाइप इससे लिंक है, तो इससे लिंक होने की वजह से वो फंक्शन हमें एक ही टाइम लिखना पड़ा, मेमोरी में एक ही टाइम लिखना पड़ा। तो अगर इसमें रखते हैं फंक्शन, अपने कंस्ट्रक्टर फंक्शन में रखते हैं, तो फंक्शन सेम फंक्शन दो हमें टू टाइम लिखना पड़ता है, पर्सन वन के लिए, पर्सन टू के लिए। पर अगर आप पर्सन प्रोटोटाइप में लिख देते हैं तो फंक्शन सेम टाइम एक ही टाइम एक ही बार लिखना पड़ेगा, वो फंक्शन हमें क्या करना पड़ेगा, सिर्फ एक ही बार लिखना पड़ेगा बस, जी और कुछ नहीं, ठीक है बस यही बात। जय वाल पर्सन प्रोटोटाइप फुल नेम फंक्शन लिख देना, उसके बाद दोनों फंक्शन दोनों जितने मतलब दो के जितने मर्जी ऑब्जेक्ट बना लें, वो वाह वाले ऑब्जेक्ट इसको एक ही फंक्शन को यूज़ करेंगे, ठीक है। अगर 10 ऑब्जेक्ट भी बनाते हैं तो 10 ऑब्जेक्ट एक ही फंक्शन को यूज़ करेंगे, जिससे हमारी मेमोरी कंजम्पशन कम होगी, ठीक है। तो ये भी हो गया हमारा, उसके बाद एक आगे देखते हैं, ठीक है क्या हो रहा है, ठीक है। इसमें एक में इसमें एक ही चीज़ है बस, ये वाली लाइन, और बाकी आप सब कुछ पता है, ठीक है, यही मिलाना है, ठीक है, एक ही लाइन है, बाकी तो आपको सब कुछ पता है क्या हो रहा है। तो पहले एक डायग्राम देख लेते हैं, तो इसकी डायग्राम, ठीक है, ये देखो, ये हमारा सिंपल ऑब्जेक्ट, इसके पर्सन वन पर्सन टू, उसके बाद ये दोनों ऑब्जेक्ट किससे लिंक होंगे, ये हमारे ये दोनों ऑब्जेक्ट किससे होंगे, ये पर्सन प्रोटोटाइप, ये दोनों ऑब्जेक्ट प्रोटोटाइप, इसको क्या बोलते हैं, चेनिंग, ठीक है। तो चेनिंग बोलते हैं इसको, कि जे सभी प्रोटोटाइप आपस में कनेक्ट हैं, तो चेनिंग है। ये हमारा नल कंटेनर है, नल कंटेनर का मतलब क्या होता है, कि हमारी जो ऑब्जेक्ट प्रोटोटाइप इसके आगे कुछ नहीं है, इसके आगे कुछ नहीं है, जहाँ इसका एंड है, इसको क्या बोलते हैं, नल कंटेनर, ठीक है। दो हमने क्या किया, दो ऑब्जेक्ट बनाए इसके, ठीक है, उसके बाद दोनों ऑब्जेक्ट पर्सनल प्रोटोटाइप के साथ लिंक, तो दो पर्सनल प्रोटोटाइप ऑब्जेक्ट प्रोटोटाइप के लिंक, ठीक है। तो उसके बाद एक हमने एक और कंस्ट्रक्टर फंक्शन के थ्रू हमने एक फंक्शन बनाया, उसका नाम है क्रिएचर, तो उसमें प्रॉपर्टीज दी, मेथड्स दिए, उसका हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया क्रिएचर वन, तो उसका भी जब ये ऑब्जेक्ट बनेगा तो बाय डिफॉल्ट क्या बनेगा, क्रिएचर प्रोटोटाइप ही बन जाएगा, ठीक है। इसका प्रोटोटाइप क्रिएचर प्रोटोटाइप जो होगा इस ऑब्जेक्ट प्रोटोटाइप से लिंक होगा। तो हमें करना क्या है, ये तो मतलब नॉर्मल प्रोसेस है, इसमें हुआ क्या, तो हम क्या करना चाहते हैं, ये जो लिंक है ना इसके साथ, हम वो लिंक क्या करना चाहते हैं, लिंक इसके साथ करना चाहते हैं, आपको जो दोनों प्रोटोटाइप को आपस में कैसे जोड़ेंगे, बस यही बात है, कि जो दोनों जो हमारे प्रोटोटाइप हैं इसको हम आपस में कैसे जोड़ेंगे, बस वही देखना है। जी देखो, ये दोनों ऑब्जेक्ट को, जो दोनों प्रोटोटाइप को आपस में कैसे जोड़ेंगे, बस यही देखना है और कुछ नहीं, बस वो क्या कर रही है, जे लाइन कर रही है, ठीक, वो क्या कर रही है, दो प्रोटोटाइप को आपस में जोड़ना है, वो कौन कर रहा है, जे वाला कर रहा है। तो कैसे देख लेते हैं, तो हमने क्या किया, एक फंक्शन कंस्ट्रक्टर फंक्शन बनाया, तो उसमें हमने एक प्रॉपर्टी दी, तो उस प्रॉपर्टी को वैल्यू दे दी, और उसके बाद एक प्रोटोटाइप बनाया, क्रिएचर प्रोटोटाइप, जे वाला मतलब प्रोटोटाइप, उस प्रोटोटाइप जो प्रोटोटाइप था, क्रिएचर का प्रोटोटाइप था, उसमें हमने एक फंक्शन को सेव कर दिया, उस फंक्शन को स्टोर कर दिया, उस फंक्शन का नाम क्या था, ब्रीथिंग। तो जे वाला जो मेरा प्रोटोटाइप था, तो इसमें हमने जे वाला जो फंक्शन प्रोटोटाइप है, इसमें हमने एक फंक्शन को स्टोर कर दिया, सेव कर दिया, उस फंक्शन का नाम क्या है, ब्रीथिंग, बस। उसके बाद हमने एक कंस्ट्रक्टर फंक्शन के थ्रू एक हमने और फंक्शन कंस्ट्रक्टर पर्सन नाम का कंस्ट्रक्टर फंक्शन बनाया, उसको वैल्यूज दे दी हमने, तो वैल्यूज दे दी, और उसके उसमें एक हमने एक और फंक्शन ऐड कर दिया इसके प्रोटोटाइप में, कहाँ, इसमें पर्सनल प्रोटोटाइप में, एक फुल नेम का स्ट्रक्चर, फुल नेम का एक फंक्शन को ऐड कर दिया पर्सनल प्रोटोटाइप में, ठीक है। उसके बाद ये भी हो गया, तो उस प्रोटोटाइप में हमने एक वैल्यूज भी दे दी, ठीक है, उस प्रोटोटाइप में हमने क्या दे दी, एक वैल्यू भी दे दी इस प्रोटोटाइप में, आप वैल्यू भी स्टोर कर सकते हो, आप फंक्शन भी स्टोर कर सकते हो, वैल्यू इसमें हमने एक वैल्यू स्टोर कर दी, कोई भी विलेज नेम, कोई भी जो कॉमन होगा उसको, उसमें हम प्रोटोटाइप में हमने वैल्यूज प्रॉपर्टी को सेव कर दिया, जो प्रॉपर्टी सेव हो गई, ठीक है। उसके बाद तो ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट डॉट क्रिएट क्रिएचर प्रोटोटाइप, तो जे वाली लाइन यूज करके पर्सन डॉट प्रोटोटाइप
डॉट टू टाइम अंडरस्कोर, जो दो बार आपने अंडरस्कोर डालना है उसके बाद फोटो, फिर दो बार अंडरस्कोर इज इक्वल टू, ठीक है। अब सबसे पहले कि जोड़ना किसके साथ है, मतलब पर्सन, पर्सन के साथ इसको जोड़ना है, इसके साथ ऐसे जोड़ना है, ठीक है, साथ ऐसे जोड़ना है पर्सन, तो डॉट डॉट टू टाइम अंडरस्कोर उसके बाद फोटो टू टाइम अंडरस्कोर, ठीक है, इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट डॉट क्रिएट क्रिएचर प्रोटोटाइप, ठीक है। इसके साथ वो क्या हो जाएगा, दोनों आपस में लिंक कर देंगे, ऐसे लिंक कर देंगे जी, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, आप पर्सन का ऑब्जेक्ट बना के, आप पर्सन का ऑब्जेक्ट बना के हम क्या कर सकते हैं, हम क्रिएचर का मेथड, मतलब क्रिएचर की जो प्रोटोटाइप है उससे उसमें जो भी फंक्शन है उसको यूज़ कर सकते हैं, कि जैसे कि हमने हमने क्या बनाया, इसका बनाया हमने ना पर्सन, पर्सन जो हमारा जो एक जो फंक्शन है उसका हमने, मतलब एक पर्सन वन हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया जो जो है कंस्ट्रक्टर फंक्शन पर्सन का है, ऑब्जेक्ट पर्सन वन, पर्सन वन, पर्सन वन है जो हमारा ऑब्जेक्ट है, वो उसका जो प्रोटोटाइप कौन सा है, पर्सन प्रोटोटाइप। इसके थ्रू हम क्रिएचर में जाके क्रिएचर का जो हमारा क्रिएचर प्रोटोटाइप है उसके उससे जो उसमें जो भी फंक्शन हो उसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। जहाँ से गए इस पर्सनल प्रोटोटाइप में, पर्सनल प्रोटोटाइप से हम बोलेंगे पहुँचेंगे क्रिएचर प्रोटोटाइप में, क्रिएचर प्रोटोटाइप में आप क्या यूज़ कर सकते हो, उसका फंक्शन भी यूज़ कर सकते हो जो भी इसमें पड़ा होगा, इसमें जो वेरिएबल पड़े होंगे, इसमें जो प्रॉपर्टीज होंगे, जो भी हम इसमें यूज़ कर सकते हैं, बस वो किस लाइन से वजह से होगा, वो इसकी लाइन से वजह से होगा, ठीक है। बस फोटो ऑब्जेक्ट, ठीक है, उसके बाद ये हमने ऑब्जेक्ट बनाए हैं उसमें, ठीक है, ऑब्जेक्ट क्रिएचर, इसको कंसोल किया, तो इस जे वाली जो लाइन हो रही है ना, इसको तुम कर ले, तो जे हो रहा है पर्सन थ्री, पर्सन थ्री इसका है, इसका है, तो इसके थ्रू हम ब्रीथिंग यूज कर रहे हैं। ब्रीथिंग किसका है वैसे, ब्रीथिंग हमारा जो क्रिएचर का फंक्शन है, ठीक है, तो इसको सेव किया, देखो ब्रीथिंग आ रहा है कि नहीं, तो इसमें भी हमने ऐड करना पड़ेगा, वन सेव किया, तो रीलोड करते हैं, तो ये देखो ब्रीथिंग आ रहा है, ठीक है, ये क्या हो रहा है, ब्रीथिंग आ रहा है, ठीक है। तो मतलब इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इस तरह से हम उनको क्रिएचर को हमने पर्सन के साथ लिंक कर दिया, ठीक है। आप एक टाइम पे एक एक साथ कर सकते हो, या तो इसका साथ इसके साथ, अगर दोनों को नहीं कर सकते कि मतलब पर्सन ही हम यूज़ कर रहे हैं क्रिएचर का, ठीक है, अगर हम ये चाहते हैं कि क्रिएचर का ऑब्जेक्ट पर्सन की पर्सनल प्रोटोटाइप की फंक्शन को यूज़ कर सकें, वो ऐसा नहीं कर सकते, अगर ऐसा करोगे तो एरर आएगा, ठीक है, अगर आप ऐसा करोगे तो वो क्या आएगा, वो एरर आएगा, ठीक है, ये वाला, ठीक है, ये तो कर रहे हैं, अगर सेम करते हो, ठीक है, मतलब दोनों का, मतलब दोनों को एक दूसरे से यूज़ कराना, तो एक टाइम पे एक का ही यूज़ कर सकते हैं। अगर आप, मैं आपको करके दिखाऊं, ठीक है, तो देखते हैं क्या हो रहा है, तो क्रिएचर वन, क्रिएचर सी, क्रिएचर वन डॉट उसका जो फंक्शन है उसमें उसकी उसकी प्रोटोटाइप कौन सा फंक्शन है, फुल नेम, फुल नेम यूज करके दिखाता हूँ, फुल नेम, अभी देखते हैं फुल नेम कॉल हो रहा है कि नहीं, देखो एरर आ गया। अभी मैं करता हूँ, अभी इसको जो मैंने पहला बनाया था प्रोटोटाइप, अब इसको कमेंट बना देते हैं, इसको क्या कर देते हैं, कमेंट कर दिया मैंने, इसको जो कॉलिंग कर रहा है इसको भी कमेंट कर देते हैं, अभी देखते हैं, अभी देखो कॉल हो रहा है, मतलब एक टाइम पे आप एक के साथ ही लिंक कर सकते हो, ठीक है, दोनों को नहीं कि इसका इसका इसके साथ इसका इसके साथ, ठीक है, एक के साथ एक को लिंक कर सकते हैं, ठीक है। अभी मैंने किया कि अभी मैं जो हमारी जो क्रिएचर क्लास का ऑब्जेक्ट है वो पर्सन क्लास की सभी प्रॉपर्टी जो प्रोटोटाइप पर्सन प्रोटोटाइप में जो भी रखा होगा मेथड फंक्शंस वेरिएबल्स प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो एक टाइम पे एक ही प्रोटोटाइप दूसरे प्रोटोटाइप को यूज़ कर सकता है, से एक टाइम पे एक, मतलब ये नहीं एक की दूसरी भी यूज़ कर सके, दूसरे का पहला भी यूज़ कर सके प्रोटोटाइप, एक दूसरे की वैल्यू को प्रोटोटाइप दोनों यूज़ नहीं कर सकते सेम टाइम पे, तो आपको सेपरेट देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये था हमारा प्रोटोटाइप का, तो बस डायग्राम का आपको डायग्राम को समझना है और कुछ नहीं, ठीक है, डायग्राम को समझ लग गया तो क्लियर हो जाएगा, ठीक है, जे भी हो गया आपस में जे लिंक हो जाएगा, तो जे हो गया इसमें, पहले अगर हम प्रोटोटाइप लिंक नहीं करते तो बाय डिफॉल्ट ऐसे होता है, ठीक है।
जो ऑब्जेक्ट प्रोटोटाइप को लिंक होता है, ठीक। उसके बाद जो हम अगर हम कोई भी कंस्ट्रक्टर फंक्शन के थ्रू हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं, तो दो हमारे ऑब्जेक्ट सभी जो वैल्यूज होते हैं ऑब्जेक्ट मेथड्स होते हैं प्रॉपर्टीज होते हैं कॉपीज होती हैं, जो हमारी प्रोटोटाइप होती हैं वो लिंक होती हैं। वो क्या होती हैं? लिंक होती है, वो कॉपी नहीं होती, वो लिंक होती है, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। तो इसको हम इसको क्या बोलते हैं? चेनिंग बोलते हैं। इसको क्या जो लिंक होता है इसको क्या बोलते हैं? चेनिंग, ठीक है। तो जे अगर कंस्ट्रक्टर फंक्शन, उसके बाद उसके नाम के साथ के प्रोटोटाइप बन जाता है, तो उसके बाद ऑब्जेक्ट प्रोटोटाइप, ठीक है। तो आई होप आपको सही समझ लग गया होगा। तो फिर भी इसमें कोई दिक्कत तो प्लीज़ कमेंट करके बताना। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आ रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।